दिल्ली एनसीआर के इलाके में बीते डेढ़ माह में करीब 10 बार भूकंप आ चुका है। ऐसे में हर कोई दहशत में है। यही नहीं, लोगों को भय सता रहा है कि कहीं ये छोटे छोटे भूकंप कहीं बड़े भूकंप आने की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में बड़े भूकंप आने के खतरे के सवाल पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में कई बार भूकंप आ चुका है। इससे पृथ्वी की एनर्जी रिलीज हुई है और भूकंप आने का खतरा बहुत कम है। उनके अनुसार भूकंप आने का जो मैकेनिज्म है वह हिमालयन बेल्ट में आने वाले भूकंप के मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आने वाला भूकंप इंटीरियर क्षेत्र में आता है और हिमालयन रीजन में आने वाला भूकंप बाउंड्री क्षेत्र में आता है। इस रीजन का जो अर्थक्वेक मैकेनिज्म है एंड जो आपका हिमालयन बेल्ट में अर्थक्वेक मैकेनिज्म है, ये दोनों डिफरेंट है। ये प्लेट इंटीरियर में हो रहा है, वो प्लेट बाउंड्री में हो रहा है। जब प्लेट बाउंड्री में अगर एक महीना डेढ़ महीना कंटिन्यूसली ऐसे मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आने लगता है, तो हम अंदाज करते हैं वहाँ पर इससे भी बड़ा एक अर्थक्वेक आने वाला है। दीज आर ऑल पिकर साइज। बट जब इंटीरियर में इतना आपको 3.2 और 4.6 मैग्नीट्यूड इस तरह से लो टू मीडियम अर्थक्वेक आ गया है, इससे मोस्टली जो स्ट्रेस एक्युमुलेटेड हुआ है ये डिसिपेटेड हो जाता है। इससे बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना